पहुंचीचु जुब वरिष्ठ समाजसेवी दीर्घ वर्ष लोकंक सेवारे सबुबले सबु समय रे पहुंची समस्यार समाधान करंती। आसंतु आमे सीधा सळ भाबरे सेई महान व्यक्ति को पचारि बुझियो तांकर मतामत आ तांकर परिचय। नमस्कार, न्यूज लक्ष्मी सेवन को आज दिन में स्वागत। मु अक्षय कुमार नायक, समाजसेवी, 30 वर्ष होगा कंधमाल जिलार विभिन्न अंचल समाजसेवा काम करूँ। प्रथम कर आम युवक मानकर नेशन बिल्डिंग एवं पीस बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग एवं तापाई काम करूँ, बाल्य विवाह प्रतिरोध करूँ एवं जंगल जमी उपरे भी काम करूँ। जेहेतु कि समाज रे आजिकाली युवक गोष्ठी प्रत्येक कार्यक्रम युवक गोष्ठी सबू निंदा तांको उपरे ही बोलछि, कौन सी प्रकार राजनीतिक राले विभिन्न प्रकार धर्मघट सब जगह युवक मान को व्यवहार कर जाउछि, किंतु युवक माने ता पछर इतिहास रे अन्य लोक माने थांती किंतु युवक माने निंदा दियंती। तेणु आज युवक मान को आम से जो भितर राजनीति गोटे युवक सी जेतेबेले देश गठन पाई आगे आसवा दरकार, पाठ पढ़िया दरकार, देश काम करवा दरकार, निजर जीवन जीविका पाई से संग्राम करवा दरकार, से क्षेत्र से न जाए से मानक व्यवहार कर तेणु किसी लोक मैंने जो युवक मान को व्यवहार करुवकत्व वुवक मूल्यबोध को जो नष्ट करुवक मान को एनकरेज कर भाव आम जिले में पखापाखी 300+ अंतरम युवक संघ गठन करुवक मान को विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग देउछु, आत्मनिर्भरशील ट्रेनिंग देउछु एवं सरकार योजना केमिति कार्यकारी हेबो ताको भी ट्रेनिंग देउछु एवं सरकार योजना भारत संविधान एवं देश रे केमिति पीस हेबो आ देश गठन केमिति हेबो से दिगरे आम युवक मान सहित काम करुछु। धन्यवाद। आज दिन में बहुत लोक शिक्षित हेलेनी किंतु बेकार समस्या दिनक दिन बढ़ुछि, तार मत कौन? देखो तो बेकार समस्या बढ़ियापाई आजिकल सरकार योजना अच्छे लोक भी अच्छा किंतु सरकार योजना आ लोक भितर अपहंस सृष्टि होवार कारण हूँ शिक्षित पाठ पढ़ीदे आम शिक्षित हवा ता भूल आम पाठ न पढ़ी भी शिक्षित हो पार कारण जदि गोटे योजना क्यापाई उद्दिष्ट एवं उचित लोक किए ताक चिन्हबार हुए तो कौटी सरकार प्रशासन की भूल रोचे एवं गाँ गहली भी योजना आम पाई ना आई लोक जानूनापाई जो समाजसेवी वमर जो स्वेच्छासेवी संगठन गुड़ाक ब्रिज भाई गोटे सरकार योजना आउ पब्लिक लोकंर पाई से मध्यस्थी भाव में गोटे ब्रिज सदृश कम करती युवगोष्ठी आज शिक्षा पद्धति जहाँ हो लोक मैंने पाठ पढ़े आए बी एम ए पढ़े कि बेकार हे कि लोक मान तांकर जीवन शैली तांकर जीवन जीविका कौन हवा ताहा प्रथम प्रारंभ रु जदि ताकु सेई भली शिक्षा दिया जीवो ताहाले से माने तांकर जीवन जीविका सहित काम करि परिबे एवं बेकार हेबेनि, नहले केवल कौन जी पाठ पढ़ी देले चाकरी हबो। आजिकालि लक्ष लक्ष लोक प्राय शतकड़ा 100 भाग लोक पाठ पढ़े चाकरी 1% बाहर तेणु लोक आज बेकार हेबे एवं कोउ काम कहाँपाई उद्दिष्ट आम सरकार कौन आम ये जंगल अच्छी जमी अच्छी जंगल जात द्रव्य अच्छी ताकू नहीं कि आम कौन या प्रोसेसिंग कौन कले बाहर देश में बाहर राज्य में मार्केटिंग नहीं कि जदि जदि शिक्षा दिजिव मूल ताले बेकार समस्या समाधान हो पार। सरकार आईन कानून अनेक थी आज दिन में बाल्य बहुत दिनक दिन बढ़ुची या उपरे आपणकर कि मत? देखो बाल विवाह बढ़िबार जदि मुख्य कारण हुए सरकार आईन अच्छी केवल कागज कलम जदि जड़े लोक आज आम पिला पाठ पढ़ू पिला जदि प्रथम मेट्रिक पास करा 15 वर्ष होगा प्लस टू पास करे 16-17 वर्ष हो गला प्लस थ्री अंत सी कम मार्क रखु बेसी रखु जहाँ भी हो प्लस थ्री पर्यटन जो पढ़ी पारा तो लोक मानने पिलार बयस हो जाए बाल विवाह कम कर। द्वितीय कथा कौन हो एथपाई खाली बापा माँ दाई बापा माँ जेहेतु गरीब अवस्था अच्छा एवं आदिवासी लोक दलित निष्पेषित लोक से जानूना आईन कानून से बहुत करदे आम ठार गोटे दायित्व पड़ेगा से बहुत करने करमर पुरोहित दायी पुरोहित कह 18 वर्ष पूर्व आम क्या घर
ସେ ବୟସ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ଦେଖେଇବ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ଦେଖେଇଲେ ପୁରୋହିତ ଯିବ ନାହିଁ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ବାଲା ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବୟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ଦେଖେଇଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମିସନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମିସନ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମିସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ବିବାହ ହେବ କଥା, କାରଣ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବେ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବାହା ହେବନି ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଅଟୋମେଟିକ କମିଯିବ, ବାହାଘର ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ହେବ, ପୁରୋହିତ ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଗଲା ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନ୍ୟୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଲେ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଦେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସମାଜର ବେକାର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି କଥା ରହିବନି। ତେଣୁ ତା ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ କହୁଥିଲେ, ଇଫ୍ ୟୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁର ଡ୍ୟୁଟି ୟୁ ନିଡ୍ ନଟ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଏନି ୱାନ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ପଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁର ଡ୍ୟୁଟି ୟୁ ହାଭ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ତେଣୁକରି ଛାତ୍ର ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, ଚାଷୀ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, ରାଜନୀତି ବାଲା ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, ଚାକିରିଆ ତା କରିବ, ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ସହିତ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।